माँ से गलत रिश्ता देख बर्गिस टूटी घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। उसने कई मर्तबा प्रभु दयाल मुंडा को चेताया भी था कि वो उसकी माँ से दूर हो जाए, मिलना जुलना बंद करे, अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना कभी भी मारा जाएगा। तब उल्टे प्रभु दयाल ने बर्गिस को हड़काया था कि वो उसके रास्ते का काटा नहीं बने, वरना उसे ही ठिकाने लगा देगा। इस बारे में बर्गिस टूटी ने गाँव के कुछ लोगों को बताया भी था कि प्रभु दयाल उसकी माँ की जिंदगी से दूर चला जाए। लाख समझाने बुझाने के बाद भी जब प्रभु दयाल अपनी हरकत से बाज नहीं आया, तब बर्गिस ने खतरनाक इरादा बना लिया। पहले से तय योजना के मुताबिक बीते 6 जून की रात तेज धार टांगी लिए प्रभु दयाल के घर में घुस गया। प्रभु के सीने में टांगी से इतना जोरदार प्रहार किया कि टांगी सीने को चीरते हुए अंदर जमीन में जा धसी। उस रात प्रभु दयाल अपने घर में अकेला था। उसका पिता मनसुख मुंडा अपनी बेटी का ससुराल गया था। उसका ससुराल खूटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के टुकु टोला में है। अगले दिन यानी 7 जून को दिन के 9 बजे मनसुख के दामाद मसीदास हेरो ने फोन पर अपने ससुर को घटना के बारे में सब कुछ बताया। मारा गया 41 साल का प्रभु दयाल मुंडा राजधानी रांची के दसम फॉल थाना क्षेत्र के बेड़ा गांव में रहता था। उस रोज हत्या की खबर पाकर मौके पर पहुंचे दशम के थानेदार विष्णुकांत को कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अनुसंधान के क्रम में थानेदार को एक क्लू मिला। मिले क्लू के आधार पर बर्गिस टूटी को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुने क्या बोले रूरल SP मोहम्मद नौसाद आलम। हमें सूचना मिली थी सुबह में 7 तारीख को एक प्रभु दयाल मुंडा का किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से प्रहार करके सीना पर उसका हत्या कर दिया गया और काफ़ी ब्लड उसके शरीर से बाहर निकल चुका है और वो उसी जगह पर मरा पड़ा हुआ है। मृतक के पिता के बयान पर मनसुख मुंडा, जो उस दिन अपने घर में नहीं थे, अपने बेटी के यहाँ दूर में गए हुए थे, जब आए तो बताए कि ऐसा घटना हुआ है, लेकिन किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। वो गांव चुके बहुत इंटीरियर है, वहाँ शेडो एरिया है, मतलब मोबाइल टावर काम नहीं करता है, किसी के पास मोबाइल उस क्षेत्र में अभी भी नहीं के बराबर किसी के पास, तो हम लोग के लिए बहुत चैलेंज था। लेकिन हम लोग ये जान रहे थे कि इसकी हत्या जो हुई है कहीं ना कहीं गाँव के ही आसपास के, इसी गाँव के आसपास के ही लोग ज़रूर होंगे। लोगों के संपर्क करने से पता ये चला कि उसी गाँव का बर्गिस टूटी, उसका हत्या वो रात्रि में टांगी से करके कर दिया। ये सूचना हम लोगों को मिली, किसी ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, तब जब उसको पकड़ के हम जब लाए तो पता ये चला वो कि हाँ, इसने एक्सेप्ट किया कि हमने ही ये हत्या किया है, जो आपके सामने भी इसने पूरी कहानी बताई है। और ये उसके इकबालिया बयान पर ये टांगी धारदार करीब काफ़ी वजन का है और काफ़ी लंबा इसका फ्लैंक है, बताया कि इसी टांगी से मारकर जिसमें अभी भी खून लगा हुआ है, और जब ये हत्या हुआ था तो उसका ब्लड का फुवारा जो निकला था उसके कपड़े पर पड़ा हुआ था, जो बर्गिस के, वो भी जब्त हम लोगों ने किया है। कारण इसके पीछे बताया कि इसके मदर के साथ, इसके माँ के साथ मृतक प्रभु दयाल का इलिसिट रिलेशन की बात थी, जो ये एक्सेप्ट किया, उसको समझाया बुझाया था गांव वालों के समक्ष, उसने डांटा फटकारा भी था, मना किया था कि तुम ये हरकत से बाज आओ। जैसा ये बोल रहा है कि उसने थ्रेट किया कि अगर नहीं, हम बाद नहीं आएंगे या हम रुकेंगे नहीं, तुमको ही हम हत्या कर देंगे, इसने जैसा ये बताया। ये डर इसको समा गया था, बस उसी मौका पाकर उसकी रात्रि में इसको टांगी से इतना ज़ोर से प्रहार सिर्फ एक बार किया कि गर्दन के पास उसको इंजुरी थी डीप, और पूरा गर्दन के बाद सीना को चीरता हुआ धारदार हथियार का ये पोर्शन जाके जमीन में फिर करीब 1.5 इंच तक अंदर चला गया।